Hyderabad International School, CBSE plus exceed syllabus which is followed in 8 countries, modern plus Islamic education, 5-step activity based and play way method, launching separate branch. Assalamu alaikum nazreen, aap sab ka istiqbal hai A18 Telangana News par. Aaj 24 June Thursday ka din hai, aaiye nazreen dekhte hain international aur national ke khas khabrein. सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हुकूमत को वार्निंग दी है, अगर 12 स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम के दौरान जो अगले महीने मुनक़िद होने वाले हैं उस दौरान अगर कोई भी स्टूडेंट बीमार होता है या उनकी मौत होती है कोविड-19 से, इसका जिम्मेदार आंध्र हुकूमत होगी. एपिक्स कोर्ट ने थर्सडे के दिन आंध्र प्रदेश हुकूमत से सवाल किए, फिज़िकल एग्ज़ाम के ताल्लुक़ से जो क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए मुनक़िद होंगे जुलाई के आखिरी हफ्तों में. बेंच जिसमें जस्टिस AM खान विलकार और दानिश महेश्वरी ने कहा कि यह आंध्र हुकूमत की लापरवाही होगी, अगर एग्ज़ाम्स मुनक़िद होंगे तो कोविड-19 से अहतमाम अहम है और हर एक हॉल में सिर्फ 15 बच्चे बैठने की इजाज़त होगी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ. डेल्टा वेरिएंट जो पहली बार इंडिया में पाया गया है, ये डेल्टा वेरिएंट 90% जिम्मेदार है यूरोपियन यूनियन में नए कोविड-19 केसेस के लिए. द ब्लॉक्स डिजीज़ कंट्रोल एजेंसी ने कहा वेनेसडे के दिन समर के दिनों में डेल्टा वेरिएंट तेज़ी से फैलने का अंदेशा है और सबसे ज़्यादा नौजवानों को मुतासर करेगा और 18 से कम उम्र वालों को वैक्सीनेशन नहीं दे पाएंगे. एंड्रिया एमॉन, डायरेक्टर ऑफ यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज़ प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ECDC ने ये बयान दिए स्टेटमेंट में. 10,066 नए कोविड-19 केसेस सामने आए और महाराष्ट्र में 1,500 केसेस सामने आए. ये सबसे ज़्यादा आंकड़ा था थर्सडे के दिन का. कोरोना वायरस केसेस अचानक महाराष्ट्र में मार्च के महीने में बढ़ने लगे जब एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी थी कि कोविड-19 के ताल्लुक से उसके कुछ दिन बाद ही कोविड सेफ्टी के लिए पाबंदियाँ लगा दी गई थी पूरे रियासत में. कोविड-19 सेफ्टी पाबंदियों के खिलाफ वर्जी करने की वजह से एक नया वेरिएंट सामने आया जिसका नाम है डेल्टा स्ट्रेन, जो अब पूरे देश को परेशान कर रहा है और हुकूमत भी इससे परेशान है. पिछले हफ्ते एक्सपर्ट्स ने महाराष्ट्र में कहा था कि तीसरी लहर का अंदेशा है, तमाम रियासतों में वार्निंग दी थी शायद डेल्टा वेरिएंट की वजह से तीसरी लहर दाखिल हो सकती है. अशगाबाद जो कैपिटल है तुर्कमेनिस्तान का, सेंट्रल एशिया का, उस जगह को दुनिया की सबसे महंगा शहर करार दिया गया है फॉरेन वर्कर्स के लिए. ये सिटी टॉप पर रही है 2021 के दौरान एक सर्वे किया गया था कंसल्टेंट फर्म मर्सर की जानिब से और हांगकांग सेकेंड पोजीशन पे आ गया है. बीरट जो लेबनान में है वो थर्ड पोजीशन में है और टोक्यो जो जापान में है वो फोर्थ पोजीशन में है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थर्सडे के दिन बात करने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज मेंबर से जो जम्मू और कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं. ये कोशिश होगी सियासत को मजबूत करने की यूनियन टेरिटरी UT के साथ. ये कदम 22 महीनों के बाद लिया जा रहा है जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 निकालने के बाद और स्पेशल स्टेटस हटा देने के बाद जम्मू और कश्मीर से. कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जल्दी मैजिस्ट्रेट कोर्ट सूरत गुजरात में हाजिरी देंगे थर्सडे के दिन आखिरी स्टेटमेंट देने के लिए क्रिमिनल डिफेमेशन सूट पर जो गुजरात MLA की जानिब से राहुल गांधी पर इल्ज़ाम लगाया गया. दरअसल राहुल गांधी ने सरनेम वाले तमाम मोदियों की बेइज्जती की एक इलेक्शन रैली के दौरान कोलार में कर्नाटका में 13 अप्रैल 2019 को. राहुल गांधी ने कहा कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, ये तीनों के नाम में मोदी हैं और ये तीनों धोखेबाज चोर हैं. इसी ताल्लुक से मोदी के नाम की बेइज्जती करने राहुल गांधी पर डिफेमिंग केस दर्ज किया गया था. न्यूजीलैंड कैप्टन केन विलियमसन की टीम लीडिंग की मदद से न्यूजीलैंड ने इंडिया को हरा दिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC फाइनल में एजेस बाउल साउथैम्पटन में वेनेसडे के दिन. टारगेट था 139 रन का लेकिन न्यूजीलैंड ने 140 रन बनाए और 8 विकेट से इंडिया को हरा दिए. विलियमसन ने बेहतरीन खेल बताते हुए बिना रुके 52 रन मुकम्मल किए. एंटीवायरस मैककैफे क्रिएटर और टेक मुगल जॉन मैककैफे की मौत हुई वेनेसडे के दिन बार्सिलोना जेल में जहां वो ट्रायल का इंतज़ार कर रहे थे टैक्स इवेशन के लिए. मौत से कुछ देर पहले स्पेन हाई कोर्ट ने एक्स्ट्राडिशन को मंजूरी दी थी यूनाइटेड स्टेट्स के लिए. स्पैनिश अथॉरिटीज़ का कहना है कि उन्होंने सुसाइड किया.
After successfully spreading education since 12 years, renowned educationalist Mr. Partha Sarthi, Director, Success Junior College, brings you Success Junior College for Girls affiliated to Board of Intermediate, Success Degree College for Women affiliated to Osmania University. Latest educational infrastructure, fully furnished and sanitized AC classrooms, spacious computer lab and science lab where you can engage your passion with respect and encouragement. Management are themselves faculty along with other senior faculty members. Courses offered for degree students: BSc NZC Nutrition, BSc BZC, BBA, BCom Computers, BCom General. Courses offered for intermediate students: MPC, JEE and MCET, YPC, NEET and MCET, MEC, CACMA, CEC, CACMA, CEC Computer and Regular. 100% scholarship assistance. Transport facility available. Hurry up, admissions are open. Success Junior College for Girls, Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.